पालमपुर के 67 वर्षीय महेंद्र पाल वरिष्ठ सेवानिवृत्त वन अधिकारी ने पालमपुर में सेब का बगीचा तैयार कर मिसाल पैदा की है। सरकारी क्षेत्र में सेवा के दौरान कभी अपना फलों का बगीचा लगाने का सपना देखने वाले वरिष्ठ अधिकारी महेंद्र पाल विशिष्ट ने प्रदेश सरकार की सहायता से वीरान पड़े लगभग 13 कनाल भूमि पर सेब का बगीचा तैयार कर उदाहरण पेश किया है। धौलाधार पहाड़ियों के आंचल में पालमपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत साख के गांव भौंटा में अपने बेटे के साथ मिलकर जमीन खरीदी और कड़ी मेहनत और फल विशेषज्ञों की राय पर सुंदर फलों का बगीचा तैयार किया है। आज वशिष्ठ के बगीचे में लगभग सभी पौधों पर सेब की फसल बाजार में आने को तैयार। निचले हिमाचल में सेब तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन प्रदेश के बागवानी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा लो चिलिंग वैरायटी की पौध तैयार करने से निचले हिमाचल में आने वाले समय में सेब की फसल तैयार होने की संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही हैं। बागवानी और कृषि विभाग के सहयोग से एमपी वशिष्ठ ने साख में 13 कनाल भूमि में सेब के अलग अलग वैरायटी के 350 पौधे रोपित किए हैं। बगीचे में रंग और आकार में अच्छे फल आने से विशिष्ट और बागवानी विभाग काफी उत्साहित है। महेंद्र पाल विशिष्ट के मुताबिक उन्होंने वैज्ञानिक परामर्श पर सेब की लो चिलिंग वैरायटी अनना और डोरसेट के पौधे स्वयं प्रशिक्षण लेकर तैयार किए। उन्होंने 13 कनाल के बगीचे में कृषि विभाग के परामर्श पर 6 लाख के उपदान पर सोलर फेंसिंग, फलों को पक्षियों और ओलावृष्टि से बचाव के लिए 80% अनुदान पर ओला अवरोधक जाली तथा सिंचाई के लिए 90% अनुदान पर टैंक सिंचाई प्रणाली भी लगवाई है। इसके अलावा कीटनाशक दवाइयां और पौधों पर उपदान भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि नौकरी के पीछे ना भागकर कृषि और बागवानी क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं तथा खेती बाड़ी को अच्छी कमाई का जरिया बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सरकार द्वारा कृषि बागवानी क्षेत्र में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका लाभ उठाकर इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर नरोत्तम कौशल का कहना है कि महेंद्र पाल वशिष्ठ जैसे कई लोगों ने धौलाधार की पहाड़ियों के साथ लगते क्षेत्रों में सेब के पौधे लगाए हैं। इस क्षेत्र में सेब की बागवानी भी संभव है और बहुत से लोग इसको कर भी रहे हैं। लोग इसको करने का सबसे ज्यादा फायदा भी ले रहे हैं। क्षेत्र में तैयार सेब प्रदेश के अन्य भागों से पहले जून माह के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में तैयार हो जाता है। बाजार में सबसे पहले फल आने से इसके भाव भी अच्छे प्राप्त होते हैं। डॉक्टर कौशल ने कहा कि धौलाधार पहाड़ियों के साथ लगते क्षेत्र में सेब के साथ नाशपाती, खुरमानी, पलम, आड़ू, पीकानट, जापानी फल तथा कीवी उत्पादन के लिए भी अनुकूल है। स्नो लाइन के नजदीक होने से यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं भी फल, फूल और सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। सिरमौर के दिलों की धड़कन गरीबों के मसीहा सुनील शर्मा ने दो दिव्यांग भाई 80 वर्षीय बुजुर्ग किडनी से बीमार से पीड़ित को 1,11,000 की राशि दे ताकि इनकी सहायता सही ढंग से हो सके। आपको बता दें कि दो दिव्यांग भाई कोटका पंचायत के पुडला गांव के निवासी हैं, जिसमें से एक सोनू दत्त की ना तो दोनों बाजू हैं और ना ही टांगे। आज भी माँ बाप अपने हाथों से दो वक्त की रोटी खिलाते हैं। यही नहीं, उनका दूसरा छोटा भाई संदीप के बाजू और टांगे हैं पर काम नहीं करती। आज भी बूढ़े माँ बाप अपने दोनों बेटों का और अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, ये एक
गरीब परिवार है जो दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। ऐसे परिवार की सहायता के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील यही नहीं उत्तराखंड के दुनीचंद जो कि पिछले कई वर्षों से स्टोन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए भी सुनील शर्मा आगे आए और बीमारी में सहायता करने के लिए 1,11,000 की राशि दी गई। आज के समय में कोई भी व्यक्ति 1 रुपए की राशि किसी की सहायता के लिए नहीं देते, लेकिन सुनील शर्मा ने इतनी राशि इन गरीब परिवारों के लिए दी है। ऐसे कई परिवारों की पहले भी सहायता कर चुके हैं, ये काबिले तारीफ है। सुनील की इसी काबिले तारीफ सिरमौर हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग याद करते हैं। ऐसे होनहार व्यक्ति की सहायता के लिए प्रदेश सरकार को भी आगे आना चाहिए। जो व्यक्ति हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश सरकार को भी उसे सम्मानित करना चाहिए। साथ में सभी लोगों ने सुनील शर्मा को आगे बढ़ने की बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया। पांच लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सुनील शर्मा ने 3 जून से 9 जून तक पूरे सिरमौर में दौड़ लगाई थी ताकि इन पांचों का सही ढंग से उपचार हो सके। उन्होंने बताया कि 8,56,000 की राशि कुल इकट्ठी हुई है, जिसमें से दोनों किडनी पेशेंट को 2,50,000 से अधिक की राशि दी गई है और बची राशि इन तीनों में बांटी गई है। वे हमेशा गरीब बेसहारा लोगों की सहायता करने चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इकट्ठी हुई राशि से गरीबों की सहायता के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने लिए। गरीबों की सहायता करने के लिए दौड़ लगाते हैं। इन्हीं सभी की सहायता से आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। ये सभी दुआएं इन गरीबों की हैं। शूलनी विश्वविद्यालय में सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर बीके खोसला ने बताया कि केवल 9 वर्षों में शूलनी विश्वविद्यालय भारत में 65 बार रैंक हासिल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि आज उनका विश्वविद्यालय दुनिया भर की 250 यूनिवर्सिटियों के साथ MOU कर चुका है। उनके 50 से अधिक विद्यार्थी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशों के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। शूलनी विश्वविद्यालय ने 3 मापदंडों पर वैश्विक औसत पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने बताया कि आज उन्हें फक्र है कि उनका विश्वविद्यालय भारतवर्ष में रिसर्च के लिए जाना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को न केवल रिसर्च के लिए उत्साहित किया जाता है बल्कि उनकी रिसर्च के पेटेंट्स भी करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज विश्वविद्यालय 350 पेटेंट्स करवा चुका है, जिसका जल्द व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 तक विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जगह बनाना उनका लक्ष्य है, जिसके लिए वे निरंतर काम कर रहे हैं।